307 हत्या का प्रयास, मेरे ऊपर 307 लगा, आज भी वो 307 कायम। मेरे साथी को 3 महीने तक जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अन्नू प्रसाद का समर्थन कर रहे थे, ना कि एबीवीपी का। और उनसे ये कह के वहां पे जेल में डाला गया कि आप एबीवीपी का समर्थन करो, ना कि अन्नू प्रसाद। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इन हालातों को वाकिफ कराना चाहती हूँ कि गोरखपुर शहर, जो कि योगी का शहर माना जाता है, वहां पे इस तरीके से बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब वो उभर के आ रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक छोटी सी वाक्य मैं आपसे बताऊंगी। आज से कुछ महीने पहले, हालांकि मुझे यहाँ पे इतने बड़े मंच पे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मगर क्योंकि वो बात ही ऐसी है, मुझे बोलना पड़ेगा। एक महीने पहले यहाँ हमारे राष्ट्रपति जी ने MNIT में दीक्षांत में उन्होंने एक शब्द कहा, एक स्टेटमेंट दी कि आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछती हूँ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या आज आप वहां होते? अगर इस रिजर्वेशन के पर फूके आप वहां पहुंचे हो तो आपको रिजर्वेशन के ऊपर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सबको रिजर्वेशन सीखनी ही आपत्तियां है तो एक लागू एक नियम लागू करिए कि आजादी के बाद सिर्फ 2 पीढ़ी की संपत्तियों को अधिकार मिलेगा, उसके पहले की आपके पास जितनी संपत्ति है उसको सरकारी जब्त कर लो, तब हम बराबरी की बात करेंगे और तब हमसे कहना कि रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। तब तक रिजर्वेशन पे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना वो हाथ उठाने की हिम्मत, उस हाथ उठाने का दम हम बहुजनों में है। और इसी बातों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।